ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2020 से पहले टीम इंडिया खेलेगी कई बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ टी20 सीरीज, जिसमें भारतीय टीम करेगी टी20 वर्ल्ड कप 2020 की तैयारी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इस टाइम पर सारी ही टीमें लगातार टी20 सीरीज खेल रही हैं, क्योंकि साल 2020 में होने वाला है टी20 वर्ल्ड कप 2020। लेकिन अगर हम बात करें टीम इंडिया की, तो भारतीय टीम इस टाइम पर टी20 वर्ल्ड कप 2020 को ध्यान में रखते हुए लगातार भारतीय टीम भी टी20 सीरीज खेल रही है, जहां सबसे पहले टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेला था, और इस 3 टी20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज क्लीन स्वीप किया था। तो वहीं इसके बाद वेस्टइंडीज के बाद भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टी20 सीरीज खेली थी, हालांकि यह टी20 सीरीज बराबरी पर खत्म हो गई थी, यानी कि सीरीज बराबर हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2020 की तैयारियों के लिए काफी मेहनत कर रही है, और इसी वजह से भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के बाद अब यहां पर 7 अलग अलग टीमों के खिलाफ खेलने वाली है टी20 सीरीज। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले उन सारे ही टीमों के बारे में कि किस किस टीम के खिलाफ खेलेगी भारतीय टीम टी20 सीरीज टी20 वर्ल्ड कप 2020 से पहले। तो गाइस, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। उससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के तगड़े वाले फैन हैं, अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2020 जीते, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वहीं क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें टीम इंडिया के शेड्यूल के बारे में टी20 वर्ल्ड कप 2020 से पहले, अगर हम टीम इंडिया के आने वाले टी20 मैचों की श्रृंखला पर नजर डालें, तो टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर आने वाले महीनों में बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी भारत में ही। तो वहीं उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी इंडिया में, जबकि श्रीलंका के खिलाफ भी 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी भारत में ही, जबकि उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 श्रृंखला खेलने के लिए टीम इंडिया न्यूजीलैंड जाएगी। तो वहीं ऐसे कप से पहले भी भारत का श्रीलंका के खिलाफ भी टी20 मैचों के कार्यक्रम है, जो कि श्रीलंका की धरती पर खेला जाएगा इस बार इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज। अब इसके बाद एशिया कप 2020 खेला जाएगा टी20 फॉर्मेट में सितंबर के महीने में। एशिया कप के बाद टीम इंडिया, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैचेस खेलेगी, जिसमें इंग्लैंड भारत के घर में खेलेगी। तो वहीं वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच खेलेगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। और अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा टी20 वर्ल्ड कप 2020, जो कि 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2020 तक। तो गाइस, ये था भारतीय टीम का पूरा कंफर्म शेड्यूल टी20 वर्ल्ड कप 2020 से पहले, खास तौर पर टी20 सीरीज का, जो कि टी20 सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2020 20-20 ओवरों का खेला जाएगा, यानी कि टी20 फॉर्मेट में, जहां पर टीम इंडिया इस टाइम पर अगर हम मौजूदा रैंकिंग की बात करें तो नंबर 4 पर मौजूद है। तो वहीं पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पर है, जबकि इंग्लैंड न्यूजीलैंड भी काफी अच्छी खासी इनके पास रैंकिंग है। तो यहां पर टीम इंडिया लगातार सीरीज जीतकर अपने रैंकिंग में तो सुधार करना चाहेगी, और साथ ही अपने कॉन्फिडेंस और भी पाना चाहेगी, खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में।